मैं अनुराग से ये पूछना चाहूंगा कि अनुराग गुड मॉर्निंग, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने पावल साहब का स्टांस कैसे देखा और क्या अभी भी आप इस बात पे कायम हैं कि यूएस मार्केट में डाउनसाइड ओपन है? जी अजय, मैं बिल्कुल कायम हूँ इस बात पर। और अब देखिए, आप इस रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि फेड कमेंट्री लास्ट वीक जो उन्होंने दी, उसके बाद मार्केट एकदम चढ़ गया, लेकिन उसके बाद से फिर नर्वस होना शुरू हो गया और आज भी बड़ा एक मिक्स्ड रिएक्शन था, राइट? और अगर हम अजय देखें ना पावल साहब क्या कह रहे हैं, तो देखिए, एक हर फेड चेयर की ये वो केयरफुल रहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि वो कुछ कहें और टोटली फिर उन्हीं के ऊपर आ जाए। इस समय जस्ट एक ब्लेम गेम का बैलेंस बड़ा टाइट चल रहा है। गवर्नमेंट इज लुकिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी के कुछ हो जाए तो वो पॉलिटिशियंस, तो आप यू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव, राइट? बट ही डजंट वांट टू से कि मैंने स्केयर कर दिया इन मार्केट्स में, फिर मैंने यू नो आई जस्ट इमिनेंटली मैंने यू नो रिसेशन की तरफ धकेल दिया। सो ही इज वेरी कॉशियस, चूजिंग हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली। पर देखिए, डिसइन्फ्लेशन का वर्ड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, 11-12 बार बोला, और बट आई थिंक रिलेटिवली अजय ये है कि ही इज अपीयरिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी काम, राइट? बिकॉज कुछ हद तक उनको दिख रहा है कि असर आना शुरू हुआ है, सो वो उसको काबू कर लेंगे, ये तो उनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब माई सेंसेस, जिस तरह से मैं रीड करता हूं अजय, कि वो ये भी फर्म है कि मैं इसको गिराऊंगा नहीं, रेट्स को 25 पे ही चलने दूंगा, और देखिए अगले 25 और उसके बाद और हमें टाइम मिल जाएगा, तो वो उसके बाद उनके पास एम्पल रनवे है। जब वो देख सकते हैं कि 25-25 तक पे ही चलते रहें और तब तक मार्केट्स फिर वापस ठंडे हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो मार्केट सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो रिसेशन सडन फॉल आ जाए, और सॉरी इंटरेस्ट रेट सडनली गिर जाए, वो उम्मीद लगती नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन सडनली गिर जाए, वो उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4-4.5 से सीधा वो 2 पे आ जाएगा, तकरीबन कहीं ना कहीं वो जाके स्टक हो जाएगा 3-3.5 पे, एंड देन पावल विल परसिस्ट, राइट? और वो अभी भी वो कह रहे हैं धीमी धीमी आवाज में कि देखिए अगर डेटा नहीं आया सपोर्टिव तो यू नो वी विल हैव टू परसिस्ट विद द रेट्स। तो मैं यू नो मजबूती से इस पर हूं अजय कि ये निकला नहीं है। एक और सेंस है अजय इसमें कि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जमीन पे पकड़ रखूं। देखिए, जब तक ये इनके रिएक्शंस देखेंगे तब तक तो पूरा खेल हो जाएगा। हमें ग्राउंड पे ऑब्जर्व करना होता है कि इन्फ्लेशन कम जा रहा है कि नहीं, वेजेस का क्या सिचुएशन है। वहां अजय मेरी रीडिंग है, और मैंने एक इसको एजुकेशन लोन से लिंक किया था एक बार, और वो जून तक का तो उनका मॉरेटोरियम है ही, तो मुझे नहीं लगता अजय इसमें है। बट हाँ, तो थोड़ा बाउंस बैक मार्केट कर रहा है, बट कन्विंस नहीं है उसमें, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग अनुराग, बिल्कुल। तो ये रैली कब तक सस्टेन करेगी? इनफैक्ट यही बात हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि फिर से जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा पॉइंट की उन्होंने बात भी की, लेबर मार्केट की बात की जो रेड हॉट है, और अब फिर से वीकेंड फ्राइडे थर्सडे के इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आएंगे, रिटेल लोन्स के, होम सेल्स के, लेबर मार्केट के, तो ये सारे इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं जो शायद बाजार की इस रैली को थोड़ा सा तो रोक सकते हैं, कर्टल डाउन कर सकते हैं। कितनी सस्टेन होगी ये रैली, इस पर तो डाउट है ही। तो प्रियंका, देखिए ये तो एक चार्टिस्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वो इंडिकेटर्स ज्यादा देखते हैं कि इसमें कितना दम है। पर देखिए, मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, एक वो कहावत है ना कि यू नो टेक्निकल्स मैटर्स ओनली अंटिल फंडामेंटल्स टेक ओवर, राइट? अब फंडामेंटल्स में देखिए, सो मच फॉर प्रोजेक्शन, 187,000 जॉब्स एड होने की बात थी, 517 जॉब्स एड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट 3.4 पे आ गया है, और वेज इन्फ्लेशन डिस्पाइट एवरीथिंग 0.3% मंथ ऑन मंथ इज 4.4% एनुअली डिस्पाइट एवरीथिंग। सो प्रियंका, मैं उस कैंप में हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स की किताबों को मानता हूँ, फिलिप कर्व को मानता हूँ, वो स्टैंड करेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3.4 पे अनएम्प्लॉयमेंट रहे और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, ये मुझे इसकी कोई वो दिख नहीं रही है तुक। लेकिन इस समय मार्केट थोड़ा मूड में है, थोड़ी तेजी कर लेगा, बट फिर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, यू नो 4,200-4,300 के बाद वी आर अगेन स्टक, राइट? बिकॉज अगर आप देखें JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स, तकरीबन सभी के जो अपसाइड है इस मार्केट में वो 4,100 के आसपास ही था, और हम अब ऑलरेडी उस लेवल से ऊपर बैठे हैं, तो वे डू वी गो फ्रॉम हेयर, यू नो। और सेकेंड, एक चीज और जरूर कहूंगा, देखिए एक चीज वो मैंने नवम्बर दिसंबर से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कंसेंसस मार्केट बनाता है ना कि देखिए अब रिसेशन आ जाएगा,
वो होता नहीं है, और आई थिंक वही प्ले आउट हो रहा है प्रियंका। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यूएस फेड के कमेंट्स के बाद अपने एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हुआ ये है कि स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा के बाद इस तरह की कमेंट्री का ही एक अनुमान था और इसी तरह की कमेंट्री फेड चेयर की तरफ से आती हुई भी दिखी और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स हो चाहे एशियाई बाजारों से चेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और जहाँ घरेलू